हाय फूडीज, कैसे हैं आप? कुक विद फूडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जोधपुर का फेमस मसालेदार, मजेदार और टेस्टी मिर्ची वड़ा बनाएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में। तो आइए हम शुरू करते हैं मिर्ची वड़ा बनाना। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। हमने एक कप बेसन लिया है, उसको अच्छे से छान लिया है और इसको एक बाउल में डाल देते हैं। अब आधा छोटा चम्मच हम अजवाइन लेंगे, उसको हाथ से हल्का सा क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पकौड़ों में। नमक स्वाद के अनुसार और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे जिससे हमारा घोल बहुत ना पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो, और अच्छे से फेटेंगे कि कोई लम्स भी ना रहे। और इसमें सोडा अभी हमने लिया है वो अभी हम नहीं डालेंगे और बाद में डालेंगे। और इसको खूब अच्छे से हम फेंट लेंगे। देखिए, हमें इतना ही पतला घोल रखना है और इसको हम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। और जब तक ये फूलता तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इससे स्टफिंग में हमारा सोंधापन आएगा, बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनेगी। आप जो सा भी तेल खाते हैं आप वो सा यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम एक छोटा चम्मच राई डालेंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे जिससे हमारी राई जल्दी से चिटकेगी। अब हमारी राई चिटकने लग गई, अब इस समय हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। और इसी समय हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और हमने ये 6 बॉयल्ड आलू लिए हैं, उनको मैश करके रखा है, उसको इसमें हम डाल देंगे। आलू हम मैश करके ही डालेंगे और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और एक बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम भून लेंगे थोड़ा सा। देखिए, हमारा अच्छे से भून गया है। अब इस समय हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसमें और मिक्स कर लेंगे उसको भी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं 5 मिनट के लिए। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हमने जो हरी मिर्च ली है बड़ी वाली, इसको बीच में से हम चीरा लगा देंगे। इसकी डंडी नहीं निकालेंगे और पूरी मिर्चा हम नहीं चीरेंगे, बस बीच में से ही चीरेंगे। और ये मिर्चा बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती है, ऐसे ही हम सारी मिर्चा काट लेंगे। हमने सारी मिर्चों में बीच में चीरा लगा दिया है। अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके खूब अच्छे से मिर्चे में भर देंगे। स्टफिंग हम खूब अच्छे से भरेंगे कि पूरी अंदर तक स्टफिंग रहे इस मिर्चा में। ऐसे ही हम सारी मिर्चा भर लेंगे। देखिए, सारी मिर्चा हमने भर दी है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और जो हमने बेसन का घोल तैयार करके रखा था उसको हम फिर से फेंट लेंगे थोड़ा सा। और तेल गरम करने के लिए हमने रख दिया है गैस पे। अब इस समय हम 1/4 छोटा चम्मच जो खाने वाला मीठा सोडा आता है वो हम डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे पकौड़े बहुत ही खस्ता और फूले फूले बनेंगे। अब इसमें हमने जो तेल गरम करने के लिए रखा था उसी में से 1 चम्मच तेल निकाल के हम इस घोल में डाल देंगे। इससे हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी और बहुत ही फोके बनेंगे। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा बेसन कितने अच्छे से फूल रहा है सोडा पड़ा होने के कारण। और ये घोल हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है और इस मिर्चे को हम लेंगे और अच्छे से बेसन में कोट करके इस घोल में कोट कर लेंगे।
बहुत अच्छे से कोट करेंगे। और इसको हम तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ये हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे पलट पलट करके। आराम से पलटिएगा। ये पकौड़े खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, एक पकौड़े में ही मजा आ जाता है खा के बिल्कुल से। एक बार आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। हमारा मिर्ची वड़ा बिल्कुल तैयार है, इतना सुंदर कलर आया है, बहुत ही फोके फोके बन रहा है। अब इसको हम एक जाली में निकाल लेते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसको आप गर्मा गर्म हरी चटनी है मीठी चटनी के साथ सर्व करिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जोधपुरी मिर्ची वड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप मुझको अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।